सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है आज दिन भर दीआं ताज़ा खबरां ते। मैं हाँ बलविंदर बाबा ते लैके हाजिर होए जी हर रोज़ की तरह अज दिन भर दीआं ताज़ा खबरां। बिना देरी तो शुरुआत कर लैने आं पंजाब दी सब तो पहली वड्डी खबर। एक पासे महंगाई की मार चल रहे आम वर्ग के लिए बहुत ही चंगी खबर निकल के सामने आ रही है। सस्ता होया खाने वाला तेल, कंपनियां ने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती। सरकारी अंकड़े के अनुसार मूंगफली के तेल को छड़ के पैक किए जाने वाले खाने वाले तेल की औसत परचून कीमतें इस महीने की शुरुआत तो देश भर में मामूली रूप में हेठ आई हैं। 150 रुपए तो 190 रुपए प्रति किलोग्राम के रेंज में हैं। अगली खबर भी दोस्तों आम वर्ग के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी राहत भरी खबर आ। मुफ्त में 3 बार का खाना पकाने वाला स्टोव होया लॉन्च, 10 साल चलेगा। सरकार भी नाल दी नाल देगी सबसिडी। सूरज नूतन चुल्हा सूरज में रखने की लड़ नहीं, इस स्टोव में एक केबल राही सत्ते लगी सोलर प्लेट के नाल जोड़ा गया है। सोलर प्लेट तो पैदा हुई ऊर्जा केबल राही स्टोव ते आउंदी है। तो दोस्तों गैस दी कीमतां वधन कारण हुण खाना बनाउणा बहुत मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हुण 1000 रुपए तो उपर चली गई है। कीमतां वधन नाल हर कोई चिंतित है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने हुण LPG सिलेंडर का बदल दिता है। IOC ने घर के अंदर वरते जाने वाले सोलर स्टोव पेश किया। इस स्टोव की खास गल यह है कि इसकी वरतों रात को भी की जा सकती है। सोलर स्टोव घर के बाहर लगे पैनलों तो सूरजी ऊर्जा को स्टोर करता है, जिस नाल दिन में 3 बार बिना धुप बैठ के खाना पकाया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही वधिया खुशखबरी अपने पेंडू भाईचारी वास्ते, ठीक है जी, निकल के सामने आई है। अगली खबर, सूबे दे विच पुरानी सीरीज़ दे छोटे अक्षरों वाले फैंसी नंबर लगा के घूम रहे वाहनों के चलान जब्त करने हुक्म। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दस्सिया है कि जिन्हां वाहन चालकों वालों पुराने फैंसी नंबर लगाए सन वह पंजाब सरकार वालों जारी पंजाब मोटर व्हीकल 1999 के नियम 42 तहत जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नवे फैंसी नंबर लै सकते हैं, परंतु यह नंबर लैण लई मोटर व्हीकल 1988 अधीन संबंधित वाहन धारा 41, 247 मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन खरे उतरते हो। EPFO PF खाताधारकों मिलने जा रहा व्याज का पैसा, जाणो खाते में कदों आएंगे पैसे। सरकार देश के 6 करोड़ तो वध कर्मचारियों के PF खाते में वित्तीय साल 2022 का ब्याज जल्द ही ट्रांसफर कर जा रही है। PF कटने वाली संस्था 30 जून तक EPFO कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर सकती है। तो दोस्तों जेकर तुसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठित खेत्र में काम कर रहे हो तो तुहानूं दस दिए कि बहुत जल्दी तुहानूं खुशखबरी मिल सकती है। सरकार देश के 6 करोड़ तो वध कर्मचारियों के PF खातों में वित्तीय साल 2022 का ब्याज जल्द ही ट्रांसफर कर जारी है। PF कटने वाली संस्था 30 जून तक EPFO कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर सकती है। अगली खबर पंजाबी लिए चंगी खबर है। पंजाब 15 अगस्त तो शुरू होने वाले क्लीनिका से चर्चा शुरू। CM भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दस्या है कि पंजाबियों के लिए एक होर चंगी खबर है। चंगी सेहत लई जो वादा उन्होंने किया उस हवाला असं अगे बढ़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर तुहाडे नाल सांझी की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते कहा है कि पंजाबियों के लिए एक होर चंगी खबर है। चंगी सेहत लई जो उन्होंने वादा किया अगे बढ़ चुके हैं, जिसकी तस्वीर अपने सांझी की है। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक के तर्ज पर पंजाब 15 अगस्त तो शुरू होने जा रहे मोहल्ला क्लीनिका से चर्चा की गई। यह सेहतमंद पंजाब बनाने लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। अगली खबर सिक्ख्या के खेत्र में पंजाब फर्जी नंबर बन, असी इस सही अर्थों में पहले नंबर पर लियावेंगे। CM भगवंत मान, पंजाब विधानसभा में अज सिक्ख्या के खेत्र में पंजाब के पहले नंबर पर होने का मुद्दा भी उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस वेले पंजाब सिक्ख्या खेत्र में फर्जी नंबर बन है। पंजाब विधानसभा में अज सिक्ख्या के खेत्र में पंजाब के पहले नंबर पर होने का मुद्दा भी उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस वेले पंजाब सिक्ख्या के खेत्र में फर्जी नंबर वन है। उन्होंने कहा कि असी इसनों सही अर्थों में नंबर वन बना के दिखावे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असी सिर्फ स्कूलों बाहरों रंगन नाल नंबर वन नहीं बना सकते, इसलिए बुनियादी सुधारों की लोड़ है। अगली खबर अग्निपथ स्कीम से हंगामे बच्चे एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। जाणो की है पूरा प्रोसैस। फौज में भर्ती लैके लिया गई योजना अग्निपथ के हंगामे दरम्यान हवाई फौज में चोण प्रक्रिया की अज तो शुरू हो जा रही है। भारतीय हवाई सेना वालों पहला ही दसाया गया कि भर्ती प्रक्रिया 24 जून तो शुरू की जाएगी। नौजवान अज तो अग्निपथ तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया
5 जुलाई तक जारी रहेगी। इस तो बाद ऑनलाइन प्रीख्या करवाई जाएगी और फिर चुने गए उम्मीदवारों अग्निपथ अग्निवीर वजों एयरफोर्स में काम करने का मौका मिलेगा। 3 दिसंबर तो होगी ट्रेनिंग। भारतीय हवाई सेना मुताबक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्टर्ड करने वाले की 24 जुलाई तो 31 जुलाई तक ऑनलाइन प्रीख्या होगी। इस तो बाद 21 अगस्त तो 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल जांच 29 अगस्त तो 8 नवंबर तक होगी। इन सारिया प्रीख्यावं पास करने वाले उम्मीदवारों की सूची 1 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने सिखलाई भी 30 दिसंबर तो शुरू हो जाएगी। तो पहले दर्शकों इस समय की सब तो बड़ी ताज़ा खबर जेकर जानकारी चंगी लगी अगर शेयर करना चैनल में सबसक्राइब करने वीडियो लाइक से शेयर करने बहुत बहुत धन्यवाद।